हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी बेटे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लेकोप्रिन मॉडल। काफ़ी कुछ वहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर बचे हुए थे, तो वो रिमेनिंग पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द लग्जरी जीन या फिर नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। हमने बेटा लास्ट वीडियो में इन तीन सिक्स जीन के बारे में बात करी थी, इनके क्या क्या फंक्शन हो गए वो हम डील कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है वो किसको बोलते हैं वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या फिर लग्जरी जीन। तो ये जो तीनों जीन है बेटा, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जीन या फिर हम इनको लग्जरी जीन भी बोल सकते हैं। लग्जरी का मीन शाही, ठीक है, जिसकी लाइफ ऐसो आराम वाली हो उसको आप लग्जरी लाइफ बोल सकते हो, जो अपनी मर्जी से काम करे, नहीं तो नहीं करे, सारे आराम हो। नॉन कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव का मतलब बताया था लगातार। नॉन कंस्टिट्यूटिव का मतलब जो लगातार काम ना करे, रुक रुक के काम करे, उसकी जरूरत होगी तभी वो काम करेगा, उसको आप बेटा नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। ठीक है, तो दो जीन्स विच डज नॉट एक्सप्रेस कंटिन्यू, जो कंटिन्यू एक्सप्रेस ना करे, सिर्फ उनकी नीड होगी तभी वो काम करेंगे। दे एक्सप्रेस और वर ओनली वेन दे आर रिक्वायर्ड। भाई सेल के अंदर मान लो लैक्टोज नहीं है, तो क्या इनका बनना, क्या इनका काम करना जरूरी है? क्या ये काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, नॉन कंस्टिट्यूटिव या फिर लग्जरी जीन बोल दिया। दूसरी एक टर्म आती है बेटा, ये दोनों कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं नीट एग्जाम में। दूसरा है कंस्टिट्यूटिव जीन या फिर दूसरा हाउसकीपिंग जीन। इसमें बताओ भाई कौन सा आएगा? कंस्टिट्यूटिव, शाबाश, रिप्रेसर। बेटा कंस्टिट्यूटिव का मीन लगातार, जो लगातार काम करे। हाउसकीपिंग, जैसे मान लो कोई भी आपने केयर टेकर रखा हुआ घर के लिए, अगर वो घर के बाहर 24 घंटे ड्यूटी नहीं देगा तो चोरी या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मतलब सिक्योरिटी या फिर हाउसकीपिंग का होना 24 घंटे क्या है, जरूरी है। हमें हमेशा उसका एक्टिवेट रहना क्या है, जरूरी है। तो वो जीन जो हमेशा एक्सप्रेस करे, जो हमेशा काम करते रहें, उसको हम क्या बोल देंगे, दे आर द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या फिर हाउसकीपिंग जीन। तो दो जीन्स विच एक्सप्रेस या फिर वर्क ऑलवेज। जैसे एग्जाम्पल आ गया था यहां पर कौन सा, आर जीन, दैट इज द रिप्रेसर जीन। आई जीन नॉन कंस्टिट्यूटिव में बेटा क्या जाएगा, एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल जीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेन कि हमारा लेकोप्रिन मॉडल क्या था। आई थिंक शायद आपको क्लियर होगा सभी को। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट हो रहे हैं वो हम और डील कर लेते हैं। जैसे ये ऑपरेटर जीन है, क्या इसमें सेल एक्सप्रेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? भाई नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ऑपरेटर जीन की जो एक्टिविटी है वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्या करने लग रहा है, रेगुलेटर जीन से कंट्रोल होने लग रहा है। दूसरा जो ऑपरेटर जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन जो है ZYA,
उनको भी कंट्रोल करने लग रहा है। अगर ऑपरेटर जीन ओपन है तो वहां पर स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो मैं वो आपको समझा देता हूं इधर। जैसे कि हम ऑपरेटर जीन के बारे में बात कर ले, ऑपरेटर जीन में सेल एक्सप्रेशन क्या है, अब्सेंट है। सेल एक्सप्रेशन इज अब्सेंट, ठीक है, बट इट इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA by ZYA जीन। इनको ये क्या कहता है, रेगुलेट करता है। ऑपरेटर जीन ZYA जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, और ऑपरेटर जीन एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन डील करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन कैन बी ब्लॉक्ड बाय द प्रोटीन दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन विच इज मेड अप बाय द आई जीन एंड मेक इट द ऑफ या फिर इनएक्टिव। तो ये दोबारा लिखने की आई थिंक शायद जरूरत नहीं है क्योंकि पहले डील कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा जीन आ गया आपका, दैट इज प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन में बेटा सेल्फ एक्सप्रेशन प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन इज एब्सेंट, लेकिन वहां पर क्या होगा, साइट होगी किसके लिए, हैव साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, बट हैव साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, उसके बाइंड करने के लिए हेल्पफुल। ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या करने लग रहा है, रेगुलेट करने लग रहा है, काम करने लग रहा है कि भाई यहां पर आके बाइंड होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऐसा। और जो तीसरा था कौन सा आपका, इनहिबिटर जीन या फिर रेगुलेटर जीन, उसमें हमने बोला है कि लगातार एक्सप्रेस करने लग रहा है, कंटिन्यूसली करेगा, तो आपने इसको कंस्टिट्यूटिव जीन या फिर इसको कंटिन्यूस जीन या फिर हाउसकीपिंग जीन बोल ही दिया था। एक बेटा हमने नेगेटिव कंट्रोल की बात करी थी कि अगर लैक्टोज एब्सेंट हो तो सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरिन मॉडल। लेकिन यहां पर थोड़े से अगर हम हायर लेवल पे जाएं, 12th क्लास से थोड़े से ऊपर जाएं, तो एक कंट्रोल और आता है, दैट इज द पॉजिटिव कंट्रोल। तो मैं आपको साथ के साथ में पॉजिटिव कंट्रोल और करवा देता हूं कि पॉजिटिव कंट्रोल एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो नेगेटिव कंट्रोल में लैक्टोज एब्सेंट है तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कंट्रोल क्या है वो हम और देख लेते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ऑपरेन मॉडल, वो कैसे हो चुकी, यहां पे बेटा एक प्रोटीन होती है कैप प्रोटीन, एक प्रोटीन दैट इज कैप प्रोटीन, फुल नेम दैट इज कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, फुल नेम इज द कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, दिस वन इज द कैप प्रोटीन। ठीक है, ये जो कैप प्रोटीन है वो किसके साथ में बाइंड कर जाती है, गेट बाइंड विद द कैंप, ये कैंप के साथ में बाइंड करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है कैंप, इसके साथ में कैप बाइंड हो गया। ठीक है, अभी क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज CAMP कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया भाई। पहले तभी अकेला था तो कैसे था, इनएक्टिव था,
लेकिन जैसे ही कैप इसके साथ में बाइंड हुआ तो बेटा ये क्या हो गया, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिव नेचर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक्टिव नेचर का कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स करेगा क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स है CAMP कैप कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड ऑन द प्रमोटर साइट पी साइट पर ये बाइंड करेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस CAP कॉम्प्लेक्स बाइंड ऑन पी जीन। पी जीन का मतलब प्रमोटर जीन। बेटा प्रमोटर जीन का काम क्या था, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स पी साइट के ऊपर जुड़ेगा, ध्यान दे, ऐसा था कुछ आर आई, यहां पर पी और यहां पर ओ, ऐसे था आगे वही आप जेड वाई ए ऐसे बता। बेटा यहां पर एक तरफ ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया, कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया, ठीक है, कैंप कैप कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग, ठीक है, बाइंड कर दिया। तो इनके बेटा बाइंड होने से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान देना कि ये जो है दोनों कॉम्प्लेक्स कैंप कैप कॉम्प्लेक्स, ये जैसे ही बाइंड होंगे तो ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। अगर बाइंडिंग एफिशिएंसी बढ़ गई तो आगे इसकी एक्टिवेट होने का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि भाई आरएनए पॉलीमरेज चाहिए था काम करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करवा दिया तो इसके ट्रांसक्रिप्शन का चांसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम पॉजिटिव कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज द बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड एनहेंस द चांसेस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेशन। तो उसके एक्सप्रेशन का चांसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो इट इज नोन एज पॉजिटिव कंट्रोल, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कंट्रोल बोलते हैं। तो बेटा ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, सिस्टम बंद हो जाए तो वो क्या लगेगा आपका, नेगेटिव कंट्रोल। ऑन होने पर क्या होगा, ऑफ होने पर क्या होगा, सेल में अगर लैक्टोज है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, हर एक कंडीशन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। इससे पहले हमने एक वीडियो और देखा था जिसके अंदर इसका रिमेनिंग पार्ट था। दोनों वीडियो लैक्टोज लैक ओपरिन मॉडल को टोटली कवर करते हैं। यहाँ पर जो लैक्टोज है जैसे सेल में प्रेजेंट होगा तो वो सिस्टम को ऑन करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, तो दैट्स वाई लैक ओपरिन मॉडल इज आल्सो नोन एज द इंड्यूसिबल मॉडल। जो दूसरा मॉडल है ट्रिप्टोफैन मॉडल, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ट्रिप्टोफैन मॉडल, दैट इज द रिप्रेसर मॉडल, उसको हम रिप्रेसर मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में बेटा सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिप्टोफैन मॉडल के बारे में बात करेंगे। आई होप शायद आपको लैक ओपरिन मॉडल अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच।